उज्जैन में दीपावली पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से हुई। अनादि काल से परंपरा चली आ रही है कि कोई भी त्यौहार हो सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया जाता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज दीपावली पर्व के दिन रूप 1400 दीपावली का त्यौहार एक साथ मनाया गया। इस दौरान महाकाल मंदिर में दीपावली मनाई गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के मंदिर में अल सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान ही फुलझड़ियां और आतिशबाजी चलाकर पंडित पुजारियों ने बाबा महाकाल के साथ दिवाली मनाई। वहीं महाकाल को फलों के रस और द्रव्यों से स्नान कराया गया और बाबा को शाही मुकुट पहनाकर 56 भोग भी लगाया। कुछ पल की रूप 14 से, इसलिए वो आज ही मनाया है। भगवान महाकाल को के ऊपर द्रव्य से स्नान और सुगंधित उपटन भगवान को लगाया पुजारी महिला की तरफ से, और भगवान को 56 भोग लगाकर दिव्य आरती की गई, जिसका दर्शन भक्तों ने किया और लाभ प्राप्त किया। यही आज का उत्सव का पर्व का महत्व है। साथ में जो भी भगवान के जो आज दीप महोत्सव है, दीप महोत्सव में फटाके जलाने का, फुलझड़ियाँ जलाने का भी महत्व होता है। तो आज भगवान महाकालेश्वर का जब भोग किया है और आरती की है, उसमें फुलझड़ियों का भी लगा के भगवान के सामने प्रार्थना की है कि जिस तरीके से दीप महोत्सव आपके दरबार में मना रहे हैं, ऐसा दीप उत्सव का पर्व सारे देश में मनता रहे और सारे देश के भक्त खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही प्रार्थना।